शाजापुर के जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में 20 अप्रैल की रात को कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए आए 65 इंजेक्शन मरीज के परिजनों के हंगामे के बाद लूट लिए गए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने लूट की FIR दर्ज न कराते हुए दो व्यक्तियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा की FIR दर्ज कराई। लेकिन आज जिला प्रशासन ने 2 डॉक्टर, 4 नर्स, 3 वार्ड बॉय और सुरक्षा गार्ड सहित 12 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। FIR में लूट का हवाला नहीं तो फिर इस कार्यवाही में लूट का हवाला देकर क्यों स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त की गई? लूट की FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल 2021 को जिला चिकित्सालय में रात्रि को रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में लापरवाही एवं लूट के संबंध में कलेक्टर दिनेश जैन ने पत्र क्रमांक 321 दिनांक 30 अप्रैल 2021 के अपने आदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में गंभीर लापरवाही को देखते हुए डॉक्टर संजय चांदना, डॉक्टर सद्दाम अली, स्टाफ नर्स चिंता मालवीय, अनुसुईया चौड़िया, कविता लोधी, नेहा निगम, वार्ड बॉय बंटी, राकेश खिंची, पीयूष देवतवाल, सिक्योरिटी गार्ड योगेश अग्रवाल, अशोक पाटीदार और सफाई कर्मी विशाल घारवे की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इंजेक्शन के अंदर जो लापरवाही बरती गई थी उसके लिए कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर 12 लोगों को उनकी सेवाओं से पृथक किया गया है और डॉक्टर ने सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिले के अंदर अब 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन चालू कर दिया। अभी तक हम 1,00,000 के करीब वैक्सीनेशन कर चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज को, और बहुत ही जल्दी हम जितना हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर देंगे। ऑक्सीजन प्लांट हमको 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक 260 PM का है, 200 का है, दोनों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। साथ में CT स्कैन जिसकी भी तैयारी हो चुकी है, डिस्पैच हो चुका है, 7-8 दिन में वो भी चालू होते। शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्र की ये रिपोर्ट।